नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस ब्लैक हेडलाइंस की कड़ी में हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिस तरह के जुर्म की और जुर्म के मकसद की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मिश्रा सर, आसपास देखो, इस औरत की कोई आईडी प्रूफ या मर्डर वेपन मिलता है तो। ओके सर। शुक्ला सर, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर। इस औरत को जानते हो आप लोग? यही की है या कहीं और की है? मालूम नहीं सर। सर, ये औरत शायद प्रेग्नेंट थी सर। इसका सिर्फ पेट काटा गया है और चेहरे को भी काटा गया है, और पेट शायद इसीलिए काटा गया है क्योंकि बच्चों को बाहर निकाला जा सके, और बाकी बॉडी पे घसीटने के अलावा और कोई चोट के निशान नहीं है सर। सर, घाव और बॉडी की कंडीशन को देखकर ये लग रहा है कि ये मर्डर पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। सर, शायद चेहरा इसीलिए बिगाड़ा गया है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन शुक्ला, कोई किसी औरत का इस तरह से पेट चीटकर बच्चा क्यों निकालेगा? क्या मकसद हो सकता है उसका? दुश्मनी या बदला? एक काम करो, आसपास और अच्छी तरह से चेक करो, शायद इसके बच्चे को कहीं आसपास ही फेंका हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक औरत की उम्र 25 से 26 साल है। ज्यादा खून बहने की वजह से कल रात को यानी कि 2 फरवरी की रात 8 से 9 बजे के बीच उसकी मौत हुई है। सर, यूट्रस के साइज के हिसाब से करीब 7 से 8 महीने का भ्रूण था। मतलब के बच्चे को जन्म से पहले उस औरत का पेट काटकर बाहर निकाला गया। पेट काट के बच्चा बाहर निकालने के लिए प्रॉपर सर्जिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे आमतौर पर डॉक्टर्स यूज करते हैं सर। लेकिन पेट काटने के बाद औरत को वैसे ही छोड़ दिया गया जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ और उसकी मौत हो गई। शुक्ला, या तो ये किसी नौसिखे का काम लगता है या फिर इस केस के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, इलीगल अबॉर्शन और इलीगल डिलीवरी। उस औरत के साथ कोई बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट का भी मामला सामने आया? नहीं सर। मतलब कि शायद उस औरत का बच्चा ही उसकी मौत का कारण बना। लेकिन क्यों? भारतीय संस्कृति में औरत को देवी मतलब भगवान के बराबर माना गया है, बल्कि उसके भी ऊपर, क्योंकि वो अपने भीतर एक जिंदगी को पालती है और फिर असहनीय पीड़ा को झेलते हुए उसे जन्म देती है। हमने बच्चों के हॉस्पिटल, स्कूल, मोहल्ले, गलियों और यहां तक कि उनके घर से अगवा होने के किस्से सुने हैं। लेकिन एक गर्भवती महिला के पेट को चीर कर उसके अजन्मे बच्चे को अगवा करने का घिनौना जुर्म सब पहली बार सुन रहे थे। कौन थी औरत जिसके साथ इतनी बर्बरता की गई थी और क्यों? इससे किसी की क्या दुश्मनी, क्या नफरत होगी कि इतनी बेरहमी से इसका कत्ल करके उसके अजन्मे बच्चे को अगवा कर ले? क्या दुश्मनी और नफरत ही इस दिल दहला देने वाले जुर्म का कारण थी, या फिर वजह कुछ और ही थी? इंस्पेक्टर साहब कहाँ? बहुत जरूरी काम है, उनसे कहा है इंस्पेक्टर साहब? और सिग्नेचर से मैंने ले लिया सर। सर, हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी बीबी कल सुबह से लापता है, सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी सर, अभी तक वो वापस नहीं आई। हर जगह पता किया, सब जगह ढूंढा सर, और तो और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने मायके चली गई हो? नहीं सर, वो वहाँ नहीं गई, मैंने वहाँ भी पता कराया सर। उसकी कोई फोटो वगैरह? उनका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लोग हैं सर हम। आपसे ये किसने कहा कि सिंपल लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं होता? ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई, उसकी किसी से कोई दोस्ती या अफेयर वगैरह? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, वो ऐसी नहीं है, मेरी बीबी है, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है सर, 2 महीने में हमारा बच्चा होने वाला है। शुक्ला, इनकी पत्नी की डिटेल्स ले लो और छानबीन शुरू कर दो। इनकी पत्नी की फोटोग्राफ्स मार्केट में सब जगह सर्कुलेट करवा दो, लोकेशन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड सब निकलवाओ, देखो शायद किसी ने कुछ देखा हो। अब आइए मेरे साथ। हेमा देवरानी है मेरी, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं उसका। वो तो प्रेगनेंसी में चलते फिरते रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए घर के छोटे मोटे काम करने देते हैं हम उसे। लेकिन कल जब वो सब्जी खरीदने निकली तो वापस घर ही नहीं लौटी। सर, यकीन मानिए हमारा, हमारे परिवार में कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव है ही नहीं सर। आज के जमाने में भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सर, 6 लोग का परिवार है, 7वें का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार चल रहा है।
सर हमने हेमा की फैमिली, आस पड़ोस के मार्केट, हर जगह पूछताछ की है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। मार्केट के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रही। उसका फोन भी घर से बाहर स्विच ऑफ हुआ है। मैंने कॉल रिकॉर्ड्स खुद चेक किए हैं, ज्यादातर घर वालों के ही नंबर है। और फिरौती के पैसों के लिए भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। पॉसिबल है कि एक किडनैपिंग का केस ही ना हो। अब सवाल ये उठता है कि हेमा गई तो गई कहाँ? क्या अपनी मर्जी से कहीं चली गई? मैडम क्या हुआ आपके साथ? अरे संभालिए 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 अपने आपको। कोई पानी ला, पानी ला मैडम। पानी लेके आओ, पानी लेके। क्या बात है, क्या हुआ? अरे आप तो मिलने आ रही थी, अचानक बेहोश होकर गिर गई। हेमा आइए। हेमा, हेमा क्या हो गया तुम्हें? अरे ये सब कहाँ चली गई थी तुम? मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए। हेमा तुम क्या कह रही हो? मैं सब्जी लेने जा रही थी मार्केट में, और मेरे सामने बहन आके रुकी। सब इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, और जब समझ में आया तो उन्होंने मेरे आग मुंह और पैर बांध रखे थे। फिर पता नहीं वो मुझे वहां से कहां लेके गए और मुझे कमरे में बंद करके रख दिया, और फिर मुझे दर्द शुरू हो गया। वहाँ पे एक औरत भी थी, और उसने मेरी डिलीवरी वही करा दी। मेरे बच्चे को मेरे सामने से पता नहीं कहाँ लेकर चली गई। मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं मेरी सुनी, और उसी वैन से मुझे फेंक के चले गए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। आपने उन किडनैपर्स का या फिर उस औरत का चेहरा देखा, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? सर, उनका चेहरा हमेशा ढका रहता था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा बच्चा वापस ला दो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हेमा का मेडिकल क्यों कराना चाहते हैं? वो ऑलरेडी इतनी परेशान है। ये जानने के लिए कि हेमा के साथ डिलीवरी के अलावा कोई मारपीट या जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई है। लेकिन हेमा बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई मारपीट कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, और एक बात, उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, दे भी नहीं सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। सर राजेश भैया की दो बेटियां हैं, वो बेटा नहीं दे पाए। अब सबकी उम्मीदें हमसे हैं कि हम खानदान को एक बेटा एक वारिस देंगे। सर हम तो बहुत कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाई। सर हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर में आते जाते सब मुझे ताना देते थे। अब मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता था, तो अपनी सारी भड़ास मैं हेमा पर जाकर निकालता था। अतुल देखो, भगवान पे भरोसा रखो, जब वो चाहेगा बच्चा हो जाएगा, और अगर हमारी किस्मत में है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा, हम भगवान और किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब तू भी बताओ क्या करूं मैं? सर 7 महीने पहले हमने ये प्लान बनाया कि सबको जाकर के झूठ कह देंगे कि हेमा प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये किडनैपिंग का नाटक, ताकि हेमा जब लौट कर वापस जाए और सबको बताए कि उसने अपने बेटे को खो दिया है, तो पूरे परिवार की सिंपैथी मिले और हमें ताना भी नहीं सुनना पड़े। सर
मैंने तो अतुल को कहा था कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इन्होंने... तुम दोनों कुछ पागल वागल हो क्या, या अपना दिमाग इसी तरह की घटिया प्लानिंग में इस्तेमाल करते हो? कभी IVF सेंटर का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? वहीं चले जाते, न जाने तुम जैसे कितने कपल्स जो औलाद के लिए तरसते हैं उन्हें अपनी औलाद मिली है वहां से। We are really sorry. अभी तो जाने दे रहा हूं आप लोगों को, अगली बार ऐसा कोई नाटक किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। हेमा का चेहरा तो देखो कैसे चमक रहा है, पक्का बेटा ही होगा देखना। हेमा आज तेरी गोद भर आई है, माँ बनने वाली है तू, अरे थोड़ा तो मुस्कुरा दे। क्या हुआ हेमा, सब ठीक है ना? तू कुछ परेशान लग रही है। जया भाभी, हेमा का पूरा परिवार है उसका ध्यान देने के लिए, आप अपना देखिए, आपको भी तो 2 महीने में बच्चा होने वाला है। बाकी हेमा को डरने की कोई जरूरत नहीं है ना हेमा? सर करें तो सर, प्लीज हेल्प मी सर, सर मेरी पत्नी गायब हो गई है सर, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम वही हो ना जिसने पिछली बार भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी की किडनैपिंग का झूठा नाटक रचा था? तुम फिर आ गए यहाँ पर, ये पुलिस स्टेशन है, कोई पंचारी की दुकान नहीं है। सर मैं कसम खा के कह रहा, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा सर। आपके कहने पर IVF सेंटर पर भी गए थे हम सर। सर हेमा प्रेग्नेंट हो गई थी सर। सर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। पिछली बार की तरह प्रेग्नेंट नहीं सर, इस बार सच में प्रेग्नेंट है हेमा सर। सर आज उसकी गोद भराई की रस्म थी सर। सर सर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आज की फंक्शन की फोटो देख लीजिए आप। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, सर ये सारी फोटोज आज की हैं सर, आज सुबह की। कब गायब हुई है? सर फंक्शन के बाद दोपहर में सब लोग सोने चले गए, शाम में जब सोकर उठे तो हेमा गायब थी सर। सर हमने हर तरफ ढूंढा और तो सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज कुछ कीजिए सर। ठीक है, अपनी पत्नी की फोटोग्राफ और बाकी की सारी डिटेल्स इन्हें लिखवा दो, लेकिन अगर ये इस बार भी नाटक हुआ तो इस बार तुम्हें दोनों पति पत्नी को जेल में बैठ के नाटक खेलना पड़ेगा। नहीं सर कोई नाटक नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अमीन सर जी, सर 7 महीने की गर्भवती औरत कहां जा सकती थी और क्यों? क्या इस बार उसे सचमुच किसी ने अगवा कर लिया था, या फिर पिछली बार की तरह वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी? झूठी किडनैपिंग के बाद हेमा के साथ क्या हुआ? सर मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक हेमा का फोन 1 फरवरी को शाम के 4 बजे शताब्दी नगर में स्विच ऑफ हुआ है। शताब्दी नगर सर, वहां करने क्या गई थी हेमा? पता नहीं सर, मैंने अतुल को भी पूछा था, उसे भी कोई आइडिया नहीं है क्या करने गई थी वो वहां। आइडिया नहीं है, बता नहीं रहा हूं, वो तो पता चली जाएगा। हेमा के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? हेमा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज्यादातर कॉल्स फैमिली मेंबर्स को किए गए हैं, खास करके अतुल को। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिस पे लगातार हेमा की 1 महीने तक बात हुई थी, लेकिन हेमा के गायब होने के 1 महीने पहले बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। पता करो ये नंबर किसका है। यस सर। सर 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 मेरी बेटी, सर सर मेरी, आप बाहर चलिए, बाहर चलिए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर चलिए बाहर, सर मेरी बेटी का बच्चा। सानिका मैडम बोल रहे हैं, कहिए क्या बात। सर मेरी 1 दिन की बेटी गायब हो गई है सर, मेरी मदद कीजिए सर, उसे वापस ला दीजिए प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। सर कल सुबह सिटी नर्सिंग होम में सोनाली की डिलीवरी हुई थी और तकरीबन 11 बजे हमारी बेटी पैदा हुई थी। सर आज सुबह जब सोनाली वॉशरूम से आई तो हमारी बेटी गायब थी सर। सर हमने सारा हॉस्पिटल देख लिया लेकिन हमारी बच्ची कहीं नहीं मिली सर। सर मेरी बेटी को वापस ला दीजिए सर, उसे ढूंढ दीजिए। देखिए आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए बाहर। तिवारी मैडम इनके कंप्लेंट ले लो आप। सर शताब्दी नगर में एक औरत की लाश मिली है सर। साइड हटिए आप लोग, साइड हटिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक औरत की उम्र 25 से 26 साल है। ज्यादा खून बहने की वजह से कल रात को यानी कि 2 फरवरी के रात 8 से 9 बजे के बीच उसकी मौत हुई है। सर यूट्रस के साइज के हिसाब से करीब 7 से 8 महीने का भ्रूण था। मतलब कि बच्चे को जन्म से पहले उस औरत का पेट काट कर बाहर निकाला गया। तो, सर जहां उस औरत की लाश मिली थी उससे कुछ दूरी पर 7 महीने का भ्रूण भी मिला है। इन सारी चीजों को देखते हुए और बॉडी की डिटेल्स को देखते हुए ये लाश हेमा की लगती है। शुक्ला एक काम करो, हेमा के हस्बैंड अतुल को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाओ।
सर। बॉडी के ऊपर से हमें एक कपड़े और गहने मिले। हेमा, 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 हेमा। एक और बॉडी है। बच्चे की बॉडी हमें इन्हीं के पास से मिली थी। दोनों बॉडीज के ब्लड सैंपल हमने टेस्ट के लिए भेज दिए, लेकिन हम कंफर्म कर पाए कि ये बच्चा इन्हीं का है। देखिए, मैं जानता हूँ ये मौका नहीं है ऐसे सवाल करने का, फिर भी क्या कोई ऐसा है जिस पे आप लोगों को शक हो जो ये कर सकता हो? सर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम बहुत सिंपल लोग हैं सर, हमारा किसी से कोई झगड़ा कोई दुश्मनी नहीं है सर। शायद ही कोई ऐसा हो जो हेमा के मां बनने से दुखी होगा। शुक्ला, मेरे पूरे कैरियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें किसी औरत का पेट चीरने के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया। कातिल बच्चे को जिंदा रखना चाहता था या फिर उसे मारना चाहता था? इस हद तक वो हेमा से नफरत करता था कि उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हेमा के घर वालों का कहना है ऐसा कोई भी नहीं जो हेमा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या कातिल इन तीनों घर वालों में से कोई एक है? अतुल, कहीं ऐसा तो नहीं अतुल अपनी बीवी से झूठे प्यार का और फिक्र का दिखावा हमारे सामने कर रहा हो? लेकिन सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अतुल का मकसद क्या हो सकता है, वो अपनी ही बीवी और बेटे का मर्डर क्यों करेगा? अब ये तो पता नहीं, लेकिन पता करना पड़ेगा। शुक्ला, तुम्हें इस केस में कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा? सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन एक टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आई एम श्योर बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू हाथ लग जाएगा। सर, शताब्दी नगर में एक दाइमा है जो इस पूरे तहसील में घरों में बच्चों की डिलीवरी करवाती है, और सर, हेमा का मोबाइल उसके घर के पास ही स्विच ऑफ हुआ था। आप इसे जानती हैं? जी, इसे कैसे भूल सकते हैं, अभी दो दिन पहले तो आई थी हमारे पास। क्यों आई थी आपके पास? जाके एक समस्या थी वही हल कराने आई थी हमारे पास। दाइमा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज गिरा दीजिए इसे। बोर आ गई है क्या? हाँ, क्या बोल रही है? अरे हम इन हाथों से दुनिया में नया जीवन लाने का काम करते हैं, और तू हमें जीव हत्या करने को कह रही है? अरे क्यों मारना चाहती है अपने बच्चे को? बिटिया वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऊपर वाला औलाद देता है। तो आप ये बच्चा गिराने में मेरी मदद नहीं करेंगी? ना बिटिया, ये पाप हमसे तो ना होगा। क्या हेमा अपना बच्चा गिराना चाहती थी? हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं हम आपको इतनी देर से। उसने कुछ बताया कि वो क्यों अपना बच्चा गिरवाना चाहती थी? नहीं, हमने भी बहुत पूछा पर कुछ बोली नहीं वो। अच्छा, कोई आया था उसके साथ या वो अकेली आई थी? आई तो अकेली थी, पर हाँ, बार बार अपना फोन देख रही थी। क्या देख रही थी मोबाइल? वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो बोली कि दाइमा, क्या मैं फोन चार्ज कर सकती हूँ यहाँ पे? वो देखिए ना, बैटरी खत्म हो रही है तो फोन बंद हो जाएगा। बिटिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम खुद ही देख लो, बिजली नहीं है, शाम को 6 बजे तक आएगी। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कितने बजे के आसपास की बात रही होगी? जी, कोई शाम के 4 बजे होंगे। शुक्ला, बड़ी अजीब सी बात है, हेमा बच्चा चाहती थी, बच्चे को जन्म भी देने वाली थी, वो भी लड़का जिसके लिए उसकी फैमिली ने उसे परेशान कर रखा था, सुबह ही उसकी गोद भराई हुई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसके लिए वो बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहती थी? माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आया। सर, वैसे हमने विमला दाई का बयान चेक कर लिया है, वो सच बोल रही थी। उस एरिया में दोपहर 2 से शाम के 6 बजे तक बिजली नहीं रहती, और उस एरिया में आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सीसीटीवी नहीं है, पर ये तो हो सकता है कि किसी इंसान ने कुछ देखा हो, कुछ सुना हो। हेमा उस दिन अपना फोन चार्ज करना चाहती थी। शुक्ला, हेमा के साथ जो कुछ भी हुआ 4 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ। सर, हेमा के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला था जिस पर 1 महीने तक उसकी लगातार बात हुई थी, और उसके गायब होने से पहले अचानक 1 महीने पहले उसकी बातचीत बंद हो चुकी थी, वो नंबर महेश शर्मा का है। ये महेश शर्मा नेचर IVF क्लिनिक में पार्ट टाइम वार्ड बॉय का काम करता है।
जहां हेमा अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए गई थी। महेश शर्मा? सर ये महेश शर्मा तो सिटी नर्सिंग होम में भी वार्ड बॉय का काम करता है, और जिस दिन मयूरेश और सोनाली की एक दिन की बेटी गायब हुई थी उसी दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर महेश का फोन ऑन हुआ और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई। शुक्ला, इससे पहले कि वो दोबारा फोन बंद करे या गायब हो जाए उठा के ले आओ उसे। सर ऐसे ही मारा था हेमा और उसकी बच्ची को, ऐसे ही मारा था ना, बोल। हम कुछ नहीं किए, सब सच बता रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं साहब, हम निर्दोष हैं, हम कुछ नहीं किए। झूठी कसम खाना छोड़ और सच उगलना शुरू कर, वरना हेमा और उसकी बच्ची के मर्डर के जुम्मे यही जिंदगी भर सड़ेगा, समझा? सच ही तो बोल रहे हैं साहब, वो हेमा मैडम जी से थोड़ी बातचीत हो जाती थी, उसके बाद बस उठता ही था साहब, फिर वो एक दिन चेकअप को आई तो। ए सिस्टर, ऐसे मुंह लटकाए काहे बैठी है? अरे मां बनने वाली हो, जरा खुश रहा करो। महेश भाई कैसे खुश रहूं मैं, जब पता है कि मेरे पेट पे बेटा रही एक बेटी है, वो बेटी जो किसी को भी नहीं चाहिए, मैं जाके भी अपनी बेटी को नहीं रख सकती। हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को खुद ही मार दूं। माँ होकर ऐसे राक्षस जैसी बातें काहे को करती है? अरे कितने भले मानस है जो बच्चा गोद लेने के लिए तरस रहे हैं, उन बेचारों को दे दो, उनका जीवन सफल हो जाएगा। हेमा को ये किसने बताया कि उसके पेट में लड़का नहीं लड़की है? डॉक्टर ने? हमका बताए, कौन बताया, हमें तो वही बताई थी। फिर एक महीने बाद हेमा मैडम जी अपनी वादे से मुकर गई और हमारी जान आफत में आ गई, काहे कि हम सामने वाली फैमिली से बेटी देने के लिए एडवांस पहले ही उठा लिए थे, इसलिए हम सोनाली की बेटी को चुरा लिए। इसे पता लगवाओ कि सोनाली और मयूरेश की बेटी कहां पर है, उसे यहां लेकर आओ, इसके ऊपर इलीगल एडॉप्शन, किडनैपिंग, हेमा और उसके बच्ची के मर्डर का चार्ज लगाओ, और हाँ इसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड सारे निकलवाओ। पता करो 2 फरवरी को ये कहां था जिस दिन हेमा शताब्दी नगर गई थी जहां उसका मर्डर हुआ था। यस इंस्पेक्टर, हेमा ने IVF ट्रीटमेंट के लिए हमारे क्लिनिक में रजिस्टर करवाया था, पर हमने उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया। नहीं दिया मतलब? हेमा तो प्रेग्नेंट थी। हाँ, पर हमारे ट्रीटमेंट देने से कुछ दिन पहले ही वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर, जहां तक हमें पता है हेमा के पति अतुल का स्पर्म काउंट लो था, जिसकी वजह से हेमा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। इसे ही तो चमत्कार कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है तो ऊपर वाला उसे निराश नहीं होने देता। क्या कभी हेमा ने ये जानने की कोशिश की कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की? एक नहीं कई हजार बार पूछा था, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया था। उन्होंने आपसे कभी बच्चा अबॉर्ट करवाने की बात की थी? नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। हेलो, DNA रिपोर्ट आ गई, तो बच्चे से हेमा का DNA मैच कर गया, तो हेमा के पति अतुल से भी कर गया होगा ना? क्या ये क्या बकवास है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हेमा के पेट में पलने वाला बच्चा अतुल का नहीं होगा तो किसका होगा? जरा तमीज से बात कीजिए, ऐसा मैं नहीं, DNA रिपोर्ट कह रही है कि हेमा के पेट में जो बच्चा था वो अतुल का नहीं था। हाँ तो क्या भरोसा, जो DNA रिपोर्ट में लिखा है वही सच है, हो सकता है कि जबरदस्ती आप ये हेमा के पेट में पलने वाला बच्चा अगर मेरा नहीं था तो वो राजेश भाई साहब का ही होगा। तो क्या पकड़ा है, होश में है, थोड़ी तो शर्म कर। मुझे शर्म नहीं है। अरे आपको शर्म आई थी, भूल गया, जब हेमा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो आते जाते कैसे ताला देते थे, और उस दिन भाई साहब जब मैं ऑफिस जा रहा था, अरे तब तो हद कर दी थी आपने। अरे अतुल। हाँ भैया। 6 साल हो गए तेरी शादी को, है कुछ बच्चे बच्चे के बारे में सोच रहा है? सर नहीं होता है तो मुझे बोल, मैं करता हूँ। अतुल, वो बच्चा राजेश का भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो DNA रिपोर्ट में राजेश का भी DNA 50% मैच होता, हेमा के बच्चे का बाप कोई और ही था। सुन लिया ना अतुल, पड़ गई ना आप कलेजे में ठंडक? मैं आज अपने बड़े भाई को सबके सामने बेइज्जत कर दिया,
वो भी उस भाई को जिसने कभी तुझे अपना छोटा भाई नहीं समझा बल्कि हमेशा अपना बेटा माना। सर, ये अतुल अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका था। इसे तो ये तक नजर नहीं आया कि इसकी बीवी कहां कहां मुंह मारती फिर रही थी। क्या मतलब? सर, हमारी कॉलोनी में यही आगे एक कपल रहता है, जया और अश्विन। हेमा उनके घर घंटों बिताती थी। हेमा, मंदिर से आ रही हो? हाँ भाभी। क्या हुआ, पूरा पसीना पसीना हो रही हो? चलो थोड़ी देर मेरे यहाँ आराम कर लो, फिर चली जाना। भाभी मैं शाम को आता हूँ। नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर, चलो 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 जल्दी चलो। मैंने खुद कितनी बार देखा है कि जया अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती थी। अब भगवान ही जाने वो दोनों अंदर अकेले में क्या क्या गुजारते थे। सवाल सवाल की। अरे तू मुझे क्या चुप करवा रहा है? ये सब तेरी बीवी तेरे पीठ के पीछे करती थी जब तू ऑफिस में रहता था। सर, अभी जब हेमा प्रेग्नेंट हुई थी उसी के आसपास जया भी प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सब देखता है। अभी एक दो दिन पहले उस कमीनी जया का बच्चा भी गिर गया। ताला लगा हुआ है यार, कोई है क्या आसपास? देखो सर, ये इस एरिया का वॉचमैन है। ये घर क्यों बंद है? घर वाले कहाँ हैं? क्या जाने साहब, जया भाभी का बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। 3 तारीख को गए थे दफनाने के लिए, उसकी अगली सुबह से ताला जड़ा हुआ। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। शुक्ला सर, ये जया और उसके हस्बैंड का फोन नंबर पता करो। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स सब पता करो। दोनों के फोन सर्विलेंस पे डालो, पता करो ये दोनों हैं कहाँ पर। शुक्ला, अगर उर्मिला सच बोल रही है तो हेमा और उसके बच्चे के कत्ल में ये अश्विन एक अहम संदिग्ध है। पर एक बात समझ में नहीं आई, हेमा ने खुद महेश और विमला भाई से ये क्यों कहा कि उसके पेट में बेटी पल रही है जबकि उसके पेट में बेटा पल रहा था? उसे किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसकी वजह से वो अबॉर्ट तक करवाने पहुंच गई? अब उसके बच्चे का बाप है कौन, अश्विन या फिर कोई और? सर, अतुल के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला जिस पर उसके अक्सर बातचीत होती है। किसका नंबर है? सर, अतुल के घर में काम करने वाले भाई रत्ना का। और जब हमने रत्ना के बारे में पता किया तो ये पता चला कि रत्ना भी 7 महीने प्रेग्नेंट है और अतुल उसे पिछले कुछ दिनों से पैसों की मदद कर रहा है। तो कहानी में एक और ट्विस्ट। ये सिंपल लोग तो कुछ ज्यादा ही घुमावदार निकले। चलो इस रत्ना से भी पूछताछ कर लेते हैं कि उस पर इतनी मेहरबानी किस लिए। हाँ साहब, ये सच है कि मैं मिश्रा जी के वहाँ मेट का काम करती हूँ। अतुल साहब तो भगवान समान है, उन्होंने मेरी हालत देख के खुद ही बोल दिया कि तुम आराम करो और तनख्वाह घर में ही मिल जाएगी। इसी हालत की वजह से अतुल तुम्हें तनख्वाह दे रहा था या फिर वजह कोई और थी? या फिर इसलिए दे रहा था क्योंकि तुम अतुल के बच्चे की माँ बनने वाली हो? ये कौन बोल दिया साहब? हम गरीब हैं, हमें तो कोई भी कुछ भी आके बोल देता है। लेकिन उस भगवान समान आदमी पर कीचड़ मत उछालिए। वो तो हेमा दीदी को इतना प्यार करते हैं कि किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। प्यार करते थे, अब ना तुम्हारी हेमा दीदी रही और ना ही उसका बच्चा, क्योंकि दोनों को रास्ते से तुमने हटा दिया ताकि तुम अतुल की जिंदगी में शामिल हो सको। सच है ना ये बात? क्या हेमा दीदी नहीं रही? ये तो मुझे नहीं पता साहब, मैं तो कई महीने से घर से बाहर भी नहीं निकली। पर ये सब कैसे और कौन किया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। हमें याद है हेमा दीदी जब पेट से थी तो अतुल साहब को डर था कि कहीं उनकी बेटी ना हो जाए। और साहब, अतुल साहब को पता था कि हमारे पहले से 2 बेटे हैं और वो कुछ महीने पहले हमारे पास आए। रत्ना, अगर इस बार भी तुझे बेटा हुआ और हेमा को बेटी, तो क्या हमारी बेटी के बदले तू अपने बेटे को देगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरे पति को भी नहीं। बोल, देगी अपने बेटे को? और इसके बदले में मैं तुझे 5 लाख रुपए भी दूंगा। फिर जब तुम्हें यह पता लगा कि हेमा के बेटा होगा तो मैं 5 लाख रुपए जाते हुए नजर आए, इसलिए तुमने हेमा और उसके बच्चे को रास्ते से ही हटा दिया ताकि अतुल की जिंदगी में ना सिर्फ तुम्हारा बच्चा और तुम भी आ जाओ। नहीं साहब, जितना आप बोल रहे हो उतना तो दिमाग भी नहीं है हमारे पास। कसम से साहब, हमने हेमा दीदी को नहीं मारा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो मिश्रा। गुड, वेरी गुड सर। जय और अश्विन पकड़े गए। बोलो बोलो। सर, मेरी पहली शादी में मेरा तलाक हो चुका था। मेरे पहले पति ने दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया था। उसके बाद मैं अश्विन से मिली और हम दोनों ने शादी कर ली।
जबकि मैं मेरी पहली शादी में ही अपनी नसबंदी करा चुकी थी। सर मुझे तो नहीं, लेकिन अश्विन को अपना बच्चा चाहिए था जो मैं उसे नहीं दे सकती थी। फिर मुझे हेमा और उसके हालात के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि अतुल के लो स्पर्म काउंट की वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती है। फिर हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि हमारी किस्मत में बच्चा है, लेकिन वो हमें हेमा के ज़रिए मिल सकता है। इसलिए फिर मैंने हेमा से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। उसके बाद वो अपना दुख बताने के लिए मेरे पास आती थी, और फिर मैं उसे लस्सी या जूस में नशे की गोलियां मिलाकर दे देती थी, जिससे वो सो जाती थी। और उसके बाद अश्विन उसके साथ संबंध बनाते थे इस उम्मीद में कि वो हमें हमारा बच्चा देगी। वो बच्चा जिसे वो अनजाने ही हमारे लिए पैदा करेगी। फिर हेमा ने एक दिन मुझे बताया कि वो बिना IVF ट्रीटमेंट के नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। तो हम समझ गए थे कि वो बच्चा अश्विन का ही है। उसके बाद हमने अपना प्लान आगे बढ़ाया, और फिर मैंने भी सबको बोला कुछ दिन में कि मैं भी अब प्रेग्नेंट हूँ। पर हेमा मुझे बताती थी, बल्कि हेमा क्या बताती थी, मैंने खुद देखा था कि उर्मिला उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, क्योंकि हेमा एक बेटी को जन्म देने वाली थी। पपीता बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खा ले। नहीं भाभी, बिल्कुल भूख नहीं। सच में ये बच्चे के लिए अच्छा है, खा ले, थोड़ा सा खा ले। उर्मिला भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना हेमा प्रेग्नेंट है, और पपीता गर्म होता है, इतना भी नहीं पता? बच्चे को नुकसान कर सकता है। हेमा की हालत को देखकर मैंने उससे कहा कि मुझे बेटा होने वाला है, इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए अपना बेटा तुझे दे दूंगी और तेरी बेटी मैं ले लूंगी। मैंने उसे बोला कि हमें डिलीवरी एक दिन मेरे ही घर पर करनी होगी, ताकि किसी को ये ना पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। जाने अनजाने में उसने जिस चीज़ का नाटक किया था, हम उसे सच करने वाले थे। हम उसे किडनैप करते और वो गायब हो जाती, उसके बाद उसका बच्चा हम ले लेते और सबको ये बोलते कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है। पर हेमा पहले ही गायब हो गई थी। हमें डर था कि हम किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाएंगे, और इसीलिए हमने जय के मिसकैरेज का नाटक किया और एक गुड़िया को दफना दिया, ताकि लोग समझे कि वो हमारा बच्चा था। और उसके बाद हम अपने गांव में जाकर छुप गए। इतनी मर्दान की फूट रही थी। शुक्ला सर, अश्विन का DNA सैंपल हो और हेमा के बच्चे से मैच करके देखो। अश्विन पे हेमा के रेप का चार्ज, और इन दोनों पे हेमा और उसके बच्चे के मर्डर का चार्ज लगाओ। नहीं सर, हमने हेमा को नहीं मारा। इतनी मक्कारी की है, क्या पता कि अब भी सच बोल रहे हूँ। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता जया ने आपसे झूठ क्यों बोला। जया को झूठ बोल के क्या मिलेगा, लेकिन आपको सच बोल के थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है उर्मिला जी। इसलिए अब आप सच बोलिए, वरना पुलिस को गुमराह करने के मामले में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, समझिए आप। अब आप बोलिए। हाँ सर, मैंने हेमा से झूठ बोला था कि उसे लड़की होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़की को जन्म दे। अगर उसे बेटा हो जाता तो सब कुछ उसका हो जाता। फिर मेरी बेटियों निधि और नेहा का क्या होता? पहले इनकी कोई कदर नहीं, उसके बाद तो। हेमा की तरह ये औरत भी प्रेग्नेंट थी, इसका भी पेट काटा गया है, और सर चेहरा भी उसी तरीके से बिगाड़ा गया है ताकि पहचान ना हो सके। अगर चल क्या रहा है, कौन है जो प्रेग्नेंट औरतों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? ये तो तय था कि ये किसी एक ही अपराधी का काम था, क्योंकि दोनों महिलाओं को एक ही तरीके से मारा गया था, और गर्भ से बच्चा निकालने के लिए बाकायदा सर्जिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, और माँ और बच्चे का शव भी आसपास ही पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर गर्भवती महिलाओं को निशाना बना रहा था। ये लीजिए आपकी चाय। अरे भाभी, एक मिनट, में बाहर गया कि आपको शांति नहीं है। लाओ मुझे दो। डॉक्टर ने आपको मना किया ना? अंकुश भैया का जो भी काम है मैं करूंगा, मुझे बताओ। मिलिंद, अरे उसका काम उसे करने दे,
तू अकेले क्या क्या करेगा? क्या क्या कर सकता हूँ उसकी लिस्ट मैं आपको बाद में दूंगा। मैं जा रहा हूँ फिलहाल मार्केट आपके लिए फ्रेश सब्जियां लेने के लिए और आपके लिए फ्रूट्स लेने के लिए। तब तक आप यहाँ बैठेंगे, ठीक है? आइए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। और इनका ख्याल आप रखेंगे, ठीक है? ठीक है। कूड़े के पास जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी ना। जी सर। साहब, साहब मेरा नाम गणेश है साहब। मेरी जोड़ू कल सुबह से गायब है साहब। दोनों बेटों को बोलकर गई थी कि घंटे भर में काम से वापस आ जाए और अभी तक लौट कर नहीं आए साहब। अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। नाम क्या है तुम्हारी बीवी का? रत्ना। रत्ना जी। फोटो वगैरह है? जी ये देखिए सर। और कोई निशानी? साहब उसके हाथ पे गुदा भी हुआ है यहाँ पे। आइए हमारे साथ। जी रत्ना, रत्ना ये क्या हो गया तुमके? रत्ना, रत्ना की बॉडी के साथ एक बच्चे की भी बॉडी मिली। रत्ना को भी ठीक उसी तरह से मारा गया था जैसे कि हेमा को। रत्ना भी हेमा की तरह प्रेग्नेंट थी। अर्जेंट बेसिस पे रत्ना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकला। पता करो उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी। ये जो भी है इससे पहले कि वो दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाए हमें उस तक पहुंचना होगा। क्या रत्ना के मर्डर की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी या फिर कुछ और? इधर अश्विन और जया पाटिल की बात सच साबित हो गई। मिस कैरेज का नाटक करके उन्होंने गुड़िया ही दफनाई थी, ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गई। फिर सवाल ये उठता है कि अगर अश्विन और उसकी बीवी निर्दोष हैं तो गर्भवती औरतों का पेट चीरकर निकाले गए अजन्मे बच्चों के केस में दोषी कौन है? इन दोनों औरतों के साथ क्या और क्यों हुआ? Are you sure? सर 100%। ये देखिए रत्ना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन शताब्दी नगर दिखा रहा है, विमला दाई मां के घर के पास, जो कि हेमा की भी लास्ट लोकेशन थी। सर आज तक हमें ना हेमा का मोबाइल मिला और ना ही रत्ना के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला। सर इतना सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। चलो शुक्ला। सर क्या रत्ना मर गई? कैसे? और साहब अगर रत्ना मर भी गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपने मेरा घर क्यों उलट पुलट कर रखा हुआ है? रत्ना के फोन की लास्ट लोकेशन के मुताबिक रत्ना का फोन यहीं पे स्विच ऑफ हुआ है। अब आप ये मत कहिएगा कि उस वक्त बिजली नहीं थी, क्योंकि बिजली उस वक्त उस दिन भी थी। हाँ तो साहब हमने कब कहा कि यहाँ बिजली नहीं थी? यहाँ रत्ना यहाँ नहीं आई थी। आई थी वो जांच करवाने के लिए फिर चली गई। कहाँ चली गई? अब ये हमें कैसे पता साहब? सर पर ये देखिए, एक नहीं तीन तीन फोन मिले पर तीनों के तीनों स्विच ऑफ। किसके फोन है ये? जी वो हमारे बेटे के हैं, उसको अलग अलग फोन रखने का शौक है। थैंक यू सो मच भाभी, रिफ्रेश कर दिया जो उसने, इसकी बहुत जरूरत थी। शुक्ला सर हेमा का नंबर डायल करो। रत्ना का नंबर डायल करो। गुड गुड। मैं ना का डॉक्टर हूँ, हाँ तो मुझसे जरा ठीक से पेश आना। सब मिलिन नाम है उसका, वो डॉक्टर बनना चाहता था। मैं भी ये सुन के बहुत खुश हुई थी कि बेटा डॉक्टर और माँ दाई माँ, सब बढ़िया चलेगा। पर उसने तीन बार पेपर दिया और तीनों बार फेल हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने बोला कि माँ देखना एक दिन जरूर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अभी तो सर्जरी भी तो करूंगा ना, है ना? आराम से, आराम से। प्रैक्टिस करूंगा तो डॉक्टर क्या, सर्जन भी बन जाऊंगा। मैंने सोचा ये भी ठीक है, कोई अपनी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है। तभी से उसने डॉक्टरों वाले सारे औजार इकट्ठा करना शुरू कर दिए, कैंची, छुरी, ब्लेड, सब कुछ। भगवान जाने सब कहाँ मिलेगा। सुबह जाते वक्त सिर्फ इतना ही बोल के गया था कि अम्मा आज प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस? जी। मिलन का नंबर दो हमें। नंबर दीजिए जल्दी। सब चिल्लाने से क्या होगा, हमको नहीं याद उसका नंबर। फोन दीजिए। मिलन का नंबर याद। हेलो, हाँ मैंने अभी अभी आपको एक नंबर भेजा है, मुझे तुरंत उस नंबर की लाइव लोकेशन चाहिए।
घटक जा, चल 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 घटक जा, बस 20 मिनट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। चल मिश्रा खोलो इसको। चिंता मत कीजिए, आप ठीक है ना? बहुत हो गई तेरी डॉक्टरी, बाकी की सर्जरी अब जेल में करना है। क्या है, तुम चैन से या प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हो? सॉरी भाभी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा मदद की जरूरत ना तुझे, चल तेरी मदद करते हैं। चल, अगर आप बीच में नहीं घुसते तो मैं अब तक सर्जरी कर चुका होता और मनीषा भाभी एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे चुकी होती। इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट पक्का सक्सेसफुल होता, पर आपने खराब कर दिया, मेरा ऑपरेशन रोक दिया। हेमा को क्यों मारा? मारा मारा नहीं सर, मैंने तो उसकी मदद की थी, वो मेरी माँ के पास आई थी बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए, मेरी माँ ने मना कर दिया तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर देता हूँ, और फिर मैंने उसका पीछा किया। क्या बोला दाई माँ ने? यही कि तुम मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। खैर छोड़, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे कर तू घर चल, मैं थोड़ा सा बाजार होके आती हूँ। ठीक है देवी। अब चाहो तो बच्चा अबॉर्ट करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब नहीं, आप घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मैंने काफ़ी डिलीवरियाँ कराई है, प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल है और इजीली अबॉर्ट हो जाएगा। आइए बैठिए ना, फिर मैं उसे अपने घर के पीछे खाली गोदाम में ले गया। ये तुम कहाँ लेके आए हो मुझे? तुम तो कहते तुम डॉक्टर हो। हाँ मैं हूँ, टेंशन मत लो। देखो मुझे ना तुमसे कुछ नहीं करना। मैंने सब सही किया, अरे उसे क्या गड़बड़ कर दी थी, खून बहना बंद ही नहीं हुआ, जब बच्चा बाहर आया वो रोया तक नहीं, फिर मैं समझ गया कि दोनों मर चुके हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया उस औरत पर, अरे थोड़ा कॉपरेट कर लेती तो क्या हो जाता, पर नहीं, दोनों की लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया। हेमा से पहले वैशाली का मर्डर किया था ना? मर्डर नहीं, सर्जरी। एक्चुअली वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, बहुत खराब काम किया था मैंने, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। तूने उसकी बॉडी कहाँ फेंकी? उसकी बॉडी मैंने नदी में फेंक दी थी। रत्ना को क्यों मारा है? रत्ना वो मुझसे जवाब मांगने आई, उसकी हिम्मत देखिए। उस दिन जब हम हेमादी को छोड़कर ऑटो में बैठे थे तो हम देखे थे, तुम कुछ बात कर रहे थे ना हेमादी से? सच बताओ, तुम ही ने मारा ना हेमादी को? सच बता दो, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे, फिर वही निपटेंगे तुमसे। सच जानना है ना तुम्हें? हाँ। तो आओ आओ, देखो देखो तुम ये कहाँ ले आए मुझे? उसकी सर्जरी में भी थोड़ी गड़बड़ हुई थी, इसलिए बेचारा हाँ बच्चा दोनों मर गए। काश मैं उन्हें यादगार के तौर पे अपने साथ रख पाता, पर कोई बात नहीं, याद के तौर पे मैंने उनके मोबाइल रख लिए। शुक्ला चल, अब तुम इसकी ऐसी सर्जरी करो ये चाहे भी तो कभी यहां से बाहर ना निकल सके। वो मासूम औरतें जो नन्ही जिंदगी को जन्म देने वाली थीं,
किसी की सनक की भेंट चढ़ गई। हालांकि सबकी कहानी दर्दनाक है, लेकिन हेमा जिसने एक बच्चे के लिए अपने घर परिवार यहां तक के पड़ोसियों की यातना झेली, और जब वो उस खुशी को पाने जा रही थी तो एक बीमार मानसिकता ने उसका ही जीवन छीन लिया, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। जिंदगी की होड़, समाज और इच्छाओं के दबाव में इतना भी ना आए कि हेमा की तरह खुद जुर्म का शिकार बन जाए, और ना ही मिलिंद की तरह ख्वाहिशों के नाम पर पागलपन पाले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।